तीन राज्यों में हार से कांग्रेस में निराशा, बेचैनी को हार से बाहर निकालने के लिए अखिलेश ने दे दी बड़ी आशा। अखिलेश की बात सुनेंगे तो राहुल तो यही कहेंगे, काश सपा के प्रस्ताव पर करते अमल, आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अखिलेश ने इंडिया के लिए क्या किया ऐलान, दे दिया पुराना वाला प्लान, अब तो कांग्रेस को उस पर करना पड़ेगा अमल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीन राज्यों में कांग्रेस इस तरह से गिरी है कि कांग्रेस खेमे में बेचैनी है। हर तरफ से राहुल, प्रियंका, खड़गे समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर वार हो रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस के अंदर फैली निराशाओं के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिले जख्म पर मरहम लगाने का बड़ा प्रयास किया है। जो गलतियां कांग्रेस ने की, जिन गलतियों की वजह से कांग्रेस हारी है, उस हार से सबक लेने के लिए एक नया रास्ता दिया है। परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। बीजेपी के खिलाफ कैसे लड़ना है, ये प्लान अखिलेश ने राहुल खड़गे समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिया है। अहंकार से तौबा कर पुराने रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है, इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। अखिलेश कह रहे हैं, बात जहां से शुरू हुई थी अब वहीं से फिर शुरू होगी। जो दल जहां मजबूत है वहां दूसरे दलों को सहयोग करना होगा। यानी साफ है, यूपी में अखिलेश की शर्तों से कांग्रेस को मिलान करना होगा, इसी से इंडिया को परिणाम मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या यूपी में अखिलेश पर आक्रामक रहने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कांग्रेस के नेताओं की सोच में अब परिवर्तन आएगा।